पूरी इंडस्ट्री की ब्यूटी क्वीन, भोजपुरी इंडस्ट्री की सुपरस्टार, लाखों की फैन फॉलोइंग, पचास लाख की रंगदारी की मांग, भोजपुरी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह को आई कॉल और उस कॉल से बढ़ गई उनकी चिंता। बॉलीवुड में स्टार्स को धमकी के बाद अब भोजपुरी स्टार को भी धमकियां मिलने लगी हैं, जिसमें अक्षरा सिंह का नाम शामिल हो गया। अक्षरा सिंह को 11 नवंबर की देर रात दो अलग अलग नंबरों से फोन आए और उनसे 50 लाख की रंगदारी की मांग की गई। कॉल में कहा गया कि 50 लाख दो वरना जान से मार देंगे। इतना ही नहीं, धमकी देने वाले ने उनके साथ कॉल में गाली गलौज भी की और दो दिन के अंदर ही ये पैसे देने को कहा, जिसके बाद अक्षरा ने दानापुर थाने में FIR दर्ज करवाई। एक आवेदन हमें प्राप्त हुआ था जिसमें अक्षरा सिंह का नाम लिखा हुआ था और उनके व्यापार पर वो आवेदन दिया गया है और उनके द्वारा ये दावा किया गया है कि ये आवेदन अक्षरा सिंह के द्वारा उनको दिलाया गया है, तो उसकी जांच की जा रही है और उसमें रंगदारी मांगने की भी शिकायत दर्ज की गई है, तो हम इसकी जाँच कर रहे हैं और जाँच के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर हम एक्शन लेंगे। हालांकि ये कॉल किसकी तरफ से किया गया इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। धमकी के बाद अक्षरा सिंह के घर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस वक्त मौजूद हैं हम दानापुर के वीनस पैराडाइज अपार्टमेंट में और इसी अपार्टमेंट के टावर 4 के फ्लैट संख्या 304 में अक्षरा सिंह रहती है और अक्षरा सिंह से 11 तारीख के रात 12 बजे के आसपास फोन कॉल और मैसेज के जरिए एक शख्स के द्वारा 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है और ना देने पर जान से मारने की बात कही गई है। अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम रही है। इतना ही नहीं, वो कई टीवी शोज में भी नजर आ चुकी हैं। सोशल मीडिया पर भी उनके लाखों फैंस हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं। अक्षरा सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। फिल्मी गानों पर बनाए रील्स को लेकर भी वो अपने फैंस के बीच काफी पॉपुलर हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री की इस ब्यूटी क्वीन का कई विवादों से भी नाता रहा है, लेकिन तब भी उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई। अक्षरा जहां जाती हैं, फैंस की भारी भीड़ पहुंचती है और अब यही वजह है कि इस धमकी ने उनके फैंस की चिंता बढ़ा दी है। पुलिस अब उन नंबरों की जांच कर रही है जिनसे अक्षरा सिंह को फोन आया था। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या ये किसी गैंगस्टर का काम है या सिर्फ अक्षरा को डराया धमकाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक जल्द ही इस मामले में बड़ा खुलासा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।